गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ ताकि वी कैन हेड आउट। मेरे को हेयर कट कराना है, बियर्ड करानी है और बहुत सारे काम। अरे बाबा यार, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। मैं जस्ट घर से निकला और ये देखो पूरे में पानी भर गया है। और मेरे को कटवाने हैं अपने बाल, हैव टू गेट माई बियर्ड डन, हेयर कट कराना है। खुशी को कुछ काम था तो वो आई नहीं है, आई एम अलोन। खुशी मतलब कुछ एडिट वेडिट कर रही है अपना, तो अभी मैं एक बार सलोन से बाल वाल कटवा लूँ, फिर आपको अपनी न्यू लुक दिखाता हूँ। सो गाइज, एज यू कैन सी, मेरा हेयर कट और बियर्ड हो चुका है। अब थोड़ा फेस भी बेटर लग रहा है ना। वैसे पहले थोड़ा काफ़ी मैसी सा लग रहा था, अभी क्लीन लुक लग रही है तो बढ़िया लग रहा है मेरे को। लोखंड वाला आया था मैं, लोखंड वाला कि यहाँ पे एक सलोन है जिस पे मैंने हेयर कट और बियर्ड कराई। यहाँ पे मतलब मेरे को ज़्यादा, मैं ट्रस्ट तो अपने जुनैद को करता हूँ जो दिल्ली में जिससे मैं कराता हूँ, बट यहाँ पे जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो यहाँ पे एक सलोन है लोखंड वाला में, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब रश था, तो हो नहीं पा रहा था मतलब शूट, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ, नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम। खुशी को मिलते हैं, खुशी देखते हैं क्या कर रही है, और उसके लिए कुछ खाना लेके जाते हैं, मैं भी कुछ खाऊंगा, उसके बाद विल हेड टूवर्ड्स जिम। दो मील हो जाएंगी मेरी। वो कुछ केमिस्ट से एक दो चीज़ें लेनी है, यहाँ पे मेडिकल बोलते हैं केमिस्ट को मुंबई के अंदर, तो एक दो चीज़ें ले लेते हैं। मेरा प्री वर्कआउट भी ख़त्म हो गया है तो मेरे को एक प्री वर्कआउट भी चाहिए। प्री वर्कआउट कोलाजिन, बिकासुल और विटामिन सी की कुछ गोलियां चाहिए आई गेस, तो मेडिकल पे मिल जाएगा। सो फार्मेसी से सामान ले लिया है मैंने, नाउ लेट्स गो घर पे। फाइनली हम हो गए रेडी और हमने एनर्जी बना ली है जिम जाने के लिए। मैंने तो अभी बहुत ही बढ़िया मील खाई है, चिकन ब्रेस्ट और सब मैश पोटैटो, तो कार्ब्स खाते ही तो मेरे अंदर फुल पावर एनर्जी आ गई है। एंड ये देखो खुशी गढ़वी को, ये भी तैयार हो ही गई है फाइनली। आज क्या मारना है? लेग्स मारना आज। Oh my God. इसको तो सोच के ही हार्ट अटैक आ गया। मेरे को सच्ची में हार्ट अटैक आ गया आज तो, सही में। तुम्हें डेली आता है बेबी हार्ट अटैक? डेली जैसे ही मैं बोलता हूँ अब ये करो हार्ट अटैक। देख लो अभी भी इसके कान में हेडफोन लगा हुआ है, ये बात ही कर रही है। ये जिम में भी बात करती है, ये घर में भी बात करती है, ये 24 घंटे अपनी दोस्तों से ही बात करती रहती है, इसको और कोई काम ही नहीं है। क्यों खुशी कट भी? तू नहीं करता अपने दोस्तों से बातें? अरे मैं जिम में थोड़ी, मतलब जिस टाइम काम कर रहे हो उस टाइम थोड़ी, जिम के टाइम मैं बोलता रहूंगा वेट मार फोन पे हंस रही होगी। सुन रही हो नेहा, तू सारा टाइम इसकी तारीफ करते रहती है। बेबी बुराई करने या तारीफ करने से सच्चाई नहीं बदल जाती, समझो बात। सबको सब सच पता है, सारे YouTube फैमिली को, सारी तुम्हारी मेरी सबकी फैमिलीज को पता है सच क्या है। अब किसी की बुराई करने या किसी की अच्छाई करने से सच नहीं बदल जाएगा। चल ले जल्दी मोटो, जल्दी चल ले, लेट हो गए हैं। चलो मुंबई में बारिश हो रही है, ऊपर जिम आ गए हैं हम, देखो फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं हम, देखो कितने अच्छे ब्लॉगर्स और डिजिटल क्रिएटर्स हैं हम लोग। जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तो हमने कर दी, सचिन कर देता है फ्री में। सचिन इज जेनरस गाय, सचिन इज अ वेरी चालू गाय, ही इज गोइंग टू शूट इनसाइड इन देयर जिम एंड दैट इज व्हाई ही इज जस्ट नहीं, बट दे डिडंट टेल मी के उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको हमें टैग करना है या कुछ भी करना है। दे आर बीइंग जेनरस विथ मी, तो दैट इज व्हाई आई एम बीइंग जेनरस विथ देम। तो ऐसे तो सारे जनरस हो जाएंगे फिर आपके साथ, आप सबको फ्री में प्रमोशन सबको तो नहीं थोड़ी देंगे हम, सबको तो किसी को नहीं दूंगा मैं। मेरे को कोई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको जैसे समझ लो मैंने पेड प्रमोशन किया, उसके बाद पर मेरे को सच में उसका कुछ सामान बहुत अच्छा लगा है, ऐसा कुछ लगा तो मैं कभी कभी उसको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दे देता हूँ। दिस इज जेनरस नेचर बेबी, आई हैव, आई एम सच अ लवली गाय। आपको तो सब कुछ दे दिया मैंने, तन मन धन, और अब आदमी की जान लोगी। मैं अच्छी लगती हूँ? आप अच्छी लगती हो, तभी तो ये सब दे दिया है। इतना? बस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, चांद तक करता हूँ, मून तक।
फ्रॉम टिल द टिल मून टू बैक। जिम आ गया है, मेरे चश्मे कैसे लग रहे हैं ये बताओ। कैटी मेरी कैटी कैटी बिलो अप क्यूटी। तुम्हारा जी कब करता है मेरी जान जिम जाने का? मेरे बाबू का जी कब करता है? जी आज ही ऐसा हो रहा है, और क्योंकि मेरी दो दिन देखो मुझे कितना इसने ये वेट ट्रेनिंग ज्यादा करा दी, मेरा डोला जो है इतना दुख रहा है अभी, वो पतला भी हो गया ऐसा लग रहा है। इसने बोला मुझे, क्या बोला? कि तेरा ये डोला पतला करके रहूंगा। हो जाएगा पतला, इतना दुख रहा है ना यार, बहुत दुख रहा है इधर डोले में। डोले में दर्द हो रहा था, इतनी स्लो क्यों चल रही हो? चलो तो तेज। ये वजन तो उठा के तुम अपना बैग लेके क्यों आ गए हो? मेरा बैग कौन लेगा फिर? अच्छा अपना भी लूं तुम्हारा भी लूं? नहीं तो मेरा तुम नहीं लेके आते थे ना, कौन ले गया था? अभी अपना लेके कला पूरा इतना बड़ा, मेरे हाथ में कैमरा भी तो है बेबी। इतना बड़ा अपना, इतने सारे पता नहीं क्या डब्बे भर के ले आते हो अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बट स्टिल मैं आपको जो भी मैं सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ अभी जो मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ कटिंग फेज़ में, वो सारे मैं आपको बताऊँगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जो सच में रियल में यूज़ कर रहा हूँ अभी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें, वो सारी आपको आज बताऊँगा। आज ही लेके आया हूँ इसको। दिस इज़ गैट का नाइट्राफ्लेक्स प्री वर्कआउट, इसको मैंने अभी पिया है एक स्कूप। आज मैंने क्वार्टर लिया है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा और एक से कम, एक स्कूप से कम। कल से एक एक स्कूप लूँगा, आज फर्स्ट डे है तो पूरा फुल स्कूप नहीं लिया। और मेरे को ऑलरेडी किक आने लग गई है प्री वर्कआउट की, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट आवर लेग वर्कआउट। सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं ये प्री वर्कआउट लेता हूँ। सेकेंड थिंग इज BCAA, इसको मैं वर्कआउट के बीच में लेता हूँ, अभी मैं BCAA बना रहा हूँ। आप ये दोनों चीज़ें किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, प्री वर्कआउट एंड BCAA। प्री वर्कआउट अगर आपको थोड़ा स्ट्रांग चाहिए तो आई कैन रिकमेंड यू हाइड, और साइकोटिक थोड़े हार्ड हैं। अगर आपको हार्ड चाहिए मतलब थोड़ा ज़्यादा कैफीन इनटेक करना है और ज़्यादा पंप चाहिए तो यू कैन टेक दैट। जो थोड़ा रात में वर्कआउट करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई डोज मतलब समझ नहीं आती प्री वर्कआउट की, वो नाइट्राफ्लिक्स ले सकते हो। और BCAA बहुत सारी कंपनियों का बहुत बढ़िया आता है, आप एक्सटेंड का ले सकते हो बहुत बढ़िया है, आप एज इट इज न्यूट्रिशन का ले सकते हो बहुत बढ़िया है, और बाकी सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरा वर्कआउट मिस हो रहा है, ट्रेडमिल कर रही है मोटो। तो सच्चू अब थक गया है। ठीक है, मैंने एक घंटा कार्डियो किया है क्योंकि मैं दो दिन से वेट ट्रेनिंग कर रही थी और इसने मुझे बहुत थका दिया है। उसने बोला मेरा डोला कम करके ही वो मानेगा, उसने मुझे लगता है जितनी भी चीज़ों का गुस्सा नहीं निकाल सकता है वो सारा मुझे लग रहा है यहाँ आके ये कसर वसर निकालता है, और यू नो स्ट्रेटेजिकली ही प्लान्स एंड प्लेज आई थिंक, सो दैट आई कैन हर्ट यू, सो दैट यू नो अलग तरीके से किसी ना किसी तरीके से तो हर्ट करके मुझे वो अपनी आत्मा को शांति दे सके या तृप्ति दे सके, समझ रहे हो मेरी बात? तो इतने उच्च विचार रखते हैं ये, देख लो जरा, सुनो। देखो लोग हरकतें कर जाते हैं तो तुम विचार क्यों नहीं रख सकते? हमने तो विचार ही रखा, विचार मतलब विचार डेवलप हुआ है हमारा ये देख के, इन्होंने मुझे जान के मतलब बिल्कुल थकाया और इतना थकाया। और आज वो बोल रहा था मैं तेरे को रिलैक्स करा देता हूँ, मुझे लगा कि ये मुझे मारना चाहता। मैंने तो लेग्स कर ली और मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं रेंगता हुआ घर तक जाऊंगा, गाड़ी तक, गाड़ी भी अब इसको चलानी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है इस लेवल पे मैं थक गया हूँ। गाड़ी को तो चलाने के लिए वो ड्राइवर भी नहीं रखना चाहता है, आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, अगर उसका बस चले, अगर उसका बस चले, अगर इसका बस चलेगा ना तो ये चाहता है कि सोए भी गाड़ी में, बट ये तो मुझसे इतनी मोहब्बत है कि मतलब यू नो ही वॉन्ट्स टू कम एंड जस्ट लाई डाउन राइट बिसाइड्स मी, अदरवाइज ही विल स्लीप इन द कार ओनली। आई लव कार्स नो, दिस गाय वॉन्ट्स टू स्लीप इन द कार गाइस, ओके। सो एनीवे अभी आई एम वेरी वेरी टायर्ड, मैंने 400 कैलोरी बर्न करी है, 400 कैलोरीज, ओके। Lot of truth you want to know guys, go and subscribe my channel please. Go फिर से प्रचार, go and subscribe my channel please, lots this of truth. This is also your channel baby. No, this is my, but other side of him, I mean, you know what I mean, that you will be able to see in my vlogs only, because we don't put the same vlogs. So I must say that you have to go there and check that, okay? Slowly and gradually there is a lot which is going to come, my family vlogs and vlogs with him, main vlogs are always about me and him, so you will be able to see. Aur abhi aaj ka vlog khatam nahi hua hai kyunki abhi maine
आप लोगों को बाकी के सप्लीमेंट्स भी दिखाने हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी लेट्स गो होम, मैं बहुत थक गया हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लाई डाउन। तो फाइनली एक साल के बाद हम नीचे उतर पाए। एक साल लग गया मेरे को नीचे रेंगते हुए आने में। लेग्स मारा और मेरा हो गया कचुम्बर। लो घर चलते हैं, प्रोटीन भी होगी बाहर खड़े होके। yes. तो मोटा भाई, ओ मोटा भाई, मेरे मोटे भाई को देख लो, मेरा मोटा भाई। बेसिकली ना रात में इतना मजा आता है ना, मतलब तुम्हें लगता है कि यू आर ओनिंग द जिम एंड देन खाली होता है जिम। जिम करते हैं तो बॉम्बे का वेदर इज सुपर डुपर गुड। दिल्ली में तो इतनी गर्मी होती है, बॉम्बे का दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सुपर डुपर गुड वेदर और रेनी है और पूरा रोड शांत होता है और जब जिम करके नीचे आते हो तो बहुत ही मतलब ना बढ़िया वाली फीलिंग में रहते हो। थोड़ा बारिश की वजह से और ठंडा ठंडा वेदर हो गया है और हवा चल रही है, बढ़िया लग रहा है। अच्छी फील के अंदर ना मुझे नीचे खड़े रह के ना ये प्रोटीन पीने का इतना मजा आता है। अगर दिन का टाइम हो तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टैंड लाइक दिस, यू नो, बिकॉज़ बहुत ज्यादा पब्लिक भी होती है, पब्लिक भी बहुत जाएगी एंड यू विल बी लाइक यू नो ऑन द रोड एवरीवन इन योर सराउंडिंग, सो आई डोंट फील मजेदार उस वक्त, पर इस वक्त इतना ज्यादा मजेदार लगता है ना, सुपर डुपर। रात में एकदम सही रहता है, पीसफुल रहता है और ऐसा लगता है कोई परेशानी, मतलब रोड्स भी खाली हैं, जिम भी खाली है, सब कुछ खाली है, बढ़िया लगता है। वैसे आई विल नॉट सजेस्ट आप लोगों को ऐसा करने को, क्योंकि दिन में फिर आप लोगों के काम नहीं हो पाएंगे, आप लेट उठोगे जैसा कि आजकल हम उठते हैं। बट दोनों चीज़ों का अपना बेनिफिट है आई गेस, हम भी अपना स्केड्यूल वापस वैसा कर लेते हैं सही, बट नहीं हमारा शूट तो सफर करने लगता है तो वी हैव टू गेट बैक टू दैट नॉर्मल रूटीन ओनली। हम जिम आएंगे, लेट आएंगे, बट वी विल रैप अप बाय, वी विल कम बाय 10 o'clock और सो, वी विल रैप अप बाय 12 एंड 2 बजे तक सो जाएंगे रात के एंड सुबह 9-10 बजे हम उठ जाएंगे, हम वी विल कम बैक टू दैट रूटीन। अभी और लेट हो गया है, अभी 5-6 बजे सोते हैं हम डेली, 12-1 बजे उठते हैं तो सारा का सारा ऐसा सब हो जाता है। एग्जैक्टली, सो वी गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन देन। गाइस चलो मैं आपको अपना स्टैक दिखाई देता हूँ कि प्री वर्कआउट BCAA के अलावा मैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूँ कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में कोई एनहांस सब्सटेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दीज आर जस्ट सप्लीमेंट्स। ये पीनट बटर है, ये कार्निश और जो लिखा है कार्निटाइन है, कार्निटाइन मैं यूज़ करता हूँ मील के साथ, एक गोली लेता हूँ मैं एवरी डे। पीनट बटर मैं रात को वे प्रोटीन के अंदर एक स्कूप एक मतलब चम्मच डालता हूँ तो वो कैसीन प्रोटीन का काम करता है। दिस इज़ प्योर आइसोलेट प्रोटीन, इसको मैं वर्कआउट के बाद यूज़ करता हूँ। वो ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन को मैं पोस्ट वर्कआउट में अपने प्रोटीन के अंदर डाल के पीता हूँ। दिस इज़ ट्रिबुलस, ये मैं सुबह खाली पेट लेता हूँ तो टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है आपका ट्रिबुलस से, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है मसल मास के लिए, यूनिट टेस्टोस्टेरोन, ये भी मैं सुबह खाली पेट लेता हूँ। हाइड्रोक्सिकट, इट इज़ फॉर फैट बर्न, इट इज़ अ फैट बर्नर, फैट बर्निंग के लिए। दिस इज़ मिल्क थिसल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिवर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, मिल्क थिसल या कोई भी लिवर क्लेंस ज़रूर लिया करो। और ये है नीचे जिससे मेरी सारी वाइटामिन और मिनरल्स की नीड पूरी हो जाती है। सो दिस इज़ वॉट आई एम ऑन राइट नाउ। एंड वन मोर थिंग, कोलाजन, मैं ये वाला कोलाजन यूज़ कर रहा हूँ आजकल, आप कोई और ब्रांड का भी ले सकते हो। इट हेल्प्स मतलब आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, आपकी स्किन क्वालिटी के लिए भी बहुत बढ़िया है, जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो ज़रूर लें कोलाजन एज वेल। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि जो भी मैं स्टैक में जो भी चीज़ें मैंने आप सबको दिखाई हैं उन सबके नेम्स में डाल दूंगा। जो लोग ये नहीं लेना चाहते दे कैन टेक मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, मिल्क थिसल या कोई भी लिवर क्लेंस, उसके साथ में प्रोटीन BCAA है, ये मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको अच्छा मसल मास अपना रखे रखना है, होल्ड करना है वाइल्ड कटिंग, तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इनको यूज़ करता हूँ। आप बर्नर भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कार्निटाइन के बहुत सारे यूजेस हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं भी सारा कुछ नहीं बताना चाहता, बट ये सब आप यूज़ कर सकते हो। सो ओके गाइस,
सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। मेरे को कमेंट में बताते रहो आपको और क्या क्या जानना है एंड क्या क्या चीजों के ऊपर आपको व्लॉग्स चाहिए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।